हेलो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में भुट्टा खाना तो बहुत अच्छा लगता है। और भुट्टे खाने के साथ साथ भुट्टे की जो चाट बनती है उसके दाने की, वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो क्यों ना आज हम कॉर्न चाट बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये स्वीट कॉर्न ले लिया है और ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न है। और इसको हम पहले थोड़े से पानी में बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में 1 कप पानी डालेंगे। पानी बस इतना लेंगे कि कॉर्न उसमें डिप हो जाए, पानी कॉर्न से ऊपर ना जाए। पहले पानी को बॉईल कर लेंगे। पानी के बॉईल होने के बाद अब हम इसमें कॉर्न डालेंगे। यहाँ पे हम 3 बाउल कॉर्न डालेंगे इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पानी में जब कॉर्न डाला है तो पानी कॉर्न से ऊपर नहीं आया है। तो आपको भी बस इतना पानी लेना है कि कॉर्न से ऊपर ना जाए और कॉर्न इसमें आराम से उबल जाए, पक जाए और पानी भी आपको इससे निकालने के बाद फेंकना ना पड़े। जब आप इतना पानी लेंगे कि जो कॉर्न के बराबर में रहेगा, बराबर से रहेगा, तो आपको पानी निकाल कर फेंकना नहीं पड़ेगा। इसमें 1-2 बॉयल आने के बाद हम इसे धीमी आंच पे ढककर पकाएंगे कि ये कॉर्न जो है अंदर से एकदम पक जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए। और ये झटपट कॉर्न चाट बनने वाली रेसिपी है। अब हम इसे ढक के पकाएंगे। धीमी आंच पे कुछ देर इसे ढक के पकाना है कि इसका पानी भी सूख जाए और कॉर्न भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। कॉर्न धीमी आंच पे पक रहा है। अब हम इसमें इसी टाइम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। कॉर्न का पानी ड्राई हो चुका है और कॉर्न भी बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और इसमें पानी भी नहीं है। हम इसे एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने एक अलग पैन लिया है और इस पैन में हम बटर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बटर लिया है क्योंकि कॉर्न में बटर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए बटर मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉर्न के साथ। अब इसमें सूखी हुई करी लीव्स ऐड करेंगे। एक चुटकी राई, सरसों के दाने, अब इसमें कॉर्न मिला देंगे। करी लीव, बटर और राई के साथ इसको 1-2 सेकंड के लिए मैंने ऐसे मिक्स कर लिया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस मैंने कॉर्न इस बटर और करी लीव में डाला है और उसको बस मिक्स किया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं इसमें बहुत बारीक चॉप्ड अनियन ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक कटी हुई है ये। थोड़ा से बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आप कॉर्न में नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, हरी मिर्च,
एक छोटा चम्मच चाट मसाला, हाफ टी स्पून काला नमक, क्योंकि हम नमक उसमें पहले ऐड कर चुके हैं, तो अब हम इसमें ये सिर्फ ये ब्लैक सॉल्ट ही ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। हम एक नींबू लेंगे और एक नींबू का पूरा रस इसमें मिला देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे रोस्ट क्यूमिन पाउडर, भुना पिसा जीरा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्न चाट को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, तो अब हमारी ये कॉर्न चाट रेडी है। इसमें अब हमें कुछ भी नहीं मिलाना है, और आप चाहें तो इसे बहुत अच्छी तरह से गार्निश करके हरी धनिया से नींबू के साथ सर्व कर सकते हैं। वैसे तो अब हमारी ये चाट तैयार है, तो झटपट बनकर ये चाट तैयार हो गई है। इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा, ज़्यादा पकाना नहीं पड़ा। तो इसी तरह से झटपट तैयार होने वाली रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको भुट्टे के दाने की चाट पसंद है, या इसके साथ साथ भुट्टा खाना भी पसंद है। क्योंकि मुझे तो सिर्फ ये भुट्टे के दाने की चाट पसंद है, भुट्टा खाना मुझे ऐसे नहीं अच्छा लगता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।